फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वो मेरा ऑपरेशन एक्टिविटी है। तो जो मैं पैसा दे रहा हूँ, जो मैं लोन दे रहा हूँ ना, वो मेरा ऊपर रिफ्लेक्ट होगा लोन्स एंड एडवांस में। जब मैंने इतना लोन्स एंड एडवांस दिया तो वो मेरा हमेशा नेगेटिव आएगा, और जो मैंने पैसा लिया वो मेरा जैसे मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो अगर LPFC का कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इज इन पॉजिटिव, दैट मींस कंपनी इज नॉट डूइंग बिजनेस, वो हमेशा नेगेटिव में होगा और बढ़ते रहना चाहिए, नेगेटिव में बढ़ती रहनी चाहिए, तो कंपनी का ग्रोथ होता है। ये आपको सेक्टर वाइज पता चलती रहेगी किस सेक्टर का आप देख रहे हो और क्यों नेगेटिव है। आप कल का LPFC LNDM की वैल्यू कैश फ्लो देखोगे, बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है, सामने मना किया था कंपनी खराब है, और बाद में ये कल देखोगे उसका ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, आपको क्वेश्चन मार्क में वो फंस गया है ना, इसलिए मॉडल क्वेश्चन मार्क नहीं खड़े हो जाएगी, ये हो क्या है। बिकॉज बिजनेस इज लाइक बिजनेस नेचर के हिसाब से आपको स्टडी करना पड़ेगा कि NBFC का बिजनेस ही वो है लेंडिंग करना, तो लेंडिंग एक्टिविटीज आपको ऊपर ही दिखेगी। ठीक है, वो एक साल के लिए लोन दे रहा है, गोल्ड फाइनेंस एक साल के लिए दे रहा है, तो शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस लेने पर आपको करंट असेट्स नहीं दिखेगा, तो वो माइनस में चलता जाएगा आपका। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। फिर ये आपका आया कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कुछ परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट प्लस प्रोफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो ऐड किया है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो ऐड किए ऊपर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। मैंने कोई प्रॉपर्टी 100 रुपये में बेची और उसमें मेरे को 60 रुपये नुकसान हुआ, मेरे को 100 रुपये मिले, 60 रुपये मेरा नुकसान है, वो मैंने P&L में डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद मेरी प्रॉफिट फॉर द ईयर की पीरियड है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर मैंने सबसे ऊपर कर दी है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो जो मैंने 40 रुपये नुकसान बुक किया वो इसमें मैं एडबैक कर रहा हूँ। क्यों एडबैक कर रहा हूँ? क्योंकि जो मेरे को 100 रुपये आया वो मैं सीधा यहाँ पे दूंगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी 100 रुपीज। आया समझ में किसी? मैंने 100 रुपये प्रॉपर्टी बेची, तो 100 रुपये मेरे को कैश इनकम हुआ, तो पूरा का पूरा मेरे को यहाँ पे दिखाया प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी 100 रुपीज, यहाँ पे 100 रुपये आ गए। अब 40 रुपये मेरे को नुकसान हुआ, वो मैंने डेबिट किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो मैं एड बैक तो करूँगा ना, तब जाके यहाँ पे मैं 100 रुपये दिखाऊंगा कि मेरे को 100 रुपये आए हैं यहाँ से, तो वो जो मेरा नफा एंड गेन या लॉस है वो नलीफाई हो जाएगा, कि 100 रुपये मेरे को मिले तो 100 रुपये की एंट्री यहाँ पे आ गई, अब वो 100 रुपये के अंदर ही आपका नफा या नुकसान छुपा होगा। वो जो 100 रुपीज में आपने प्रॉपर्टी बेची, उसी 100 रुपीज में ही आपका या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी 60 दिखा रहा हूँ और 40 रुपये मैं नुकसान बुक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को पूरी टिकट दिखानी जितने में मैंने बेची है, 100 रुपये बेची तो 100 रुपये पूरा आएगा, जो भी प्रॉफिट अगर होता तो ऊपर माइनस हो जाता, लॉस है तो वो एड बैक होता है। यहाँ पे पूरी फिगर वहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट आएंगे। हाँ, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव आया, जो भी फायर का एक्सीडेंट दिखाया था वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव यहाँ पे आया। आया 17 करोड़। या पिछले साल की अगर एनुअल रिपोर्ट देखोगे उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने इतना क्लेम रखा है, उसमें से 1.5 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी ने अभी हाल फिलहाल इंटरिम दिया है, बाकी का पूरा प्रोसेस असेसमेंट करने के बाद पैसा रिलीज करेंगे। तो ये इस बार यहाँ पे आया। तो पिछले साल कितना था? 7.5 करोड़। इस साल पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आ गया, तो यहाँ पे आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम रिडक्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स विद बैंक, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब आपका यहाँ पे आएगा। NBFC में जो है वो इंश्योरेंस पे करे, तो NBFC में तो सपोज कोटक पे आपने इंश्योरेंस पे करे फायर, हमारे पास तो जनरेट कैश फ्लो आ गया, तो ऑपरेशन है ना Cash flow from financing activities. ISU. Proceeds from issue of equity shares, including security premium. 10 रुपए की फेस वैल्यू 200 रुपए का अगर इश्यू किया होगा तो 190 प्रीमियम होगा। 200 रुपए का इश्यू किया तो 200 रुपए के हिसाब से यहाँ पे